ओके, फिफ्थ नंबर का टोकन है हमारा स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन सी हैविंग सम स्पेशल मीनिंग एंड दस कैनॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं, लाइक ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमा, सेमी कॉलन, ठीक है, एस्ट्रिक, इक्वल टू, हैश, इस टाइप के कुछ यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स दिए गए। ठीक है, सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, सभी के मीनिंग अलग अलग होते हैं और हम लोग को कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल जगह पे ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्पेशल सिंबल है हमारा ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स मीन्स ये हम लोग किसको बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ब्रैकेट्स बोलेंगे। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस, दिस इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, एरे एलिमेंट में हम लोग यूज करते हैं और जनरली कोई सबस्क्रिप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट्स। सेकेंड है पैरेंथेसिस। ठीक है, जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। दिस स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे void main हम लोग लिखते हैं, void main हम लोग यहाँ लिखते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा void main। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, या फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पैरेंथेसिस बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन हम लोग हर स्टेटमेंट के बाद यूज करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी स्टेटमेंट के टर्मिनेशन को डिनोट करता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ का पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, सेमी कॉलन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग टर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को अगर टर्मिनेट करना है तो हम लोग यूज करते हैं सेमी कॉलन। इट इज एन ऑपरेटर दैट एसेंशियली इनवोक्स समथिंग कॉल्ड एंड इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है और उसको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, मीन्स उसको एग्जीक्यूट करने का परमिशन देता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है सेमीकोलन। ठीक है, कॉमा के ऊपर एक डॉट हम लोग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है, ऐसा इसको बोलते हैं हम लोग सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं गेट सी एच, ठीक है, लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। प्रिंट एफ हम लोग लिखते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, लास्ट में हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन। ठीक है, तो ये सेमीकोलन जनरली हम लोग किसी भी स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक प्रकार से स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करता है, वो इनिशियलाइज करता है और कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट अब खत्म हो चुका है और इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इट इज यूज टू क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है हम लोग देखेंगे, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जो हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में पॉइंटर वेरिएबल नाम का टॉपिक आएगा, बहुत बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है इस एस्ट्रिक पे। ठीक है, एक छोटा सा स्टार नामक एक सिंबल होता है जिसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर क्या होगा, ठीक है,
पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसके अंदर एड्रेस हम लोग रखते हैं, ठीक है, और वो एड्रेस रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगाना होता है, ठीक है। ये तो मेनली इसी के लिए यूज किया जाता है, और भी हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर्स भी क्या होते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे, क्या होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग सारे चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेवेंथ आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, इक्वल टू को बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू भी एक सिंबल होता है और हम लोग इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हैश। हैश को हम लोग यहाँ बोलते हैं प्री प्रोसेसर, ठीक है। द प्री प्रोसेसर इज ए मैक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। देखो जनरली जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग हैश यूज करते हैं, ठीक। हैश क्या होता है, एक प्री प्रोसेसर होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो यहाँ पे हैश हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है, एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, वो एक मैक्रो प्रोसेसर क्रिएट करता है, ठीक है। मैक्रो प्रोसेसर क्या कैसे क्रिएट करता है, ये अपने आप जैसे ही हम लोग इसको हैश के साथ लिखते हैं, ठीक है, इस लाइन को हम लोग के प्रोग्राम लिखते साथ ही उसको क्या कर देता है, कंपाइल कर देता है, ठीक है। हम लोग कंपाइल के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंपाइल बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, कंपाइल पर क्लिक करते हैं या फिर ऑल्ट प्लस F9 हम लोग दबाते हैं, ठीक है, तब वो कंपाइल होता है। लेकिन हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर है, मतलब ये अपने आप में एक मैक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। मैक्रो प्रोसेसर मतलब एक छोटा सा प्रोसेसर, ठीक है, जो एक प्रोग्राम से के द्वारा बनाया गया है। जैसे ही हम लोग हैश लिखते हैं ये लाइन अकेले एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, तभी हम लोग इस stdio.h के अंदर जितने भी फंक्शंस है उसको हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, जो हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं stdio.h, ये कंपाइल होती है। कंपाइल कैसी होती है, ऑल्ट प्लस F9 हम लोग दबाते हैं, वैसे ही टाइप की वो कंपाइल होती है। लेकिन हम लोग को कुछ भी चीज उसको कंपाइल करने के लिए नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाती है। क्यों कंपाइल होती है, क्योंकि उसके सामने लगा हुआ है प्री प्रोसेसर, हैश लगा हुआ है, ये हैश के द्वारा ही वो क्या करता है, उसको कंपाइल करता है। आया समझ में? तो यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स हमें अवेलेबल होते हैं। ऑपरेटर्स भी एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसी अदर ऑब्जेक्ट पे या फिर कोई दूसरे डेटा आइटम पे लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको अगर बताऊं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मान के चलो मुझे कोई भी दो नंबर को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे हम लोग इसको, जैसे मैं यहाँ 2+2 लिखता हूँ, ठीक है, कैसे जुड़ जाता है अपने आप ये, ग्रेटर देन आएगा सर, ग्रेटर सिंबल आएगा, ठीक है, तभी ये, यस सर, ठीक है। अभी के केस में क्या है, 8 is less than 2, ठीक है, ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा, बताओ, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, क्या बताएगा, फॉल्स, गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 is greater than 2, तब क्या बताएगा, ट्रू, ट्रू बताएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है हम लोग को दो वैल्यू में कंपेयर करता है, ठीक है, और हम लोग को बताता है ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, क्या बताता है, ट्रू या फिर फॉल्स हम लोग को रिटर्न करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर,
ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देन आता है यहाँ पे और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं, दो डैश होता है उसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स भी एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं और सबका अलग अलग टास्क होता है। ठीक है, सभी का अलग अलग टास्क होगा, आया समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर्स, टोकन होंगे। ठीक है, जो भी प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे, एक एक वर्ड, एक एक डॉट, हैश, इंक्लूड, एसटीडीआई डॉट, जो भी चीज हम लोग लिखते हैं, सबके सब टोकन होते हैं और सबका एक अलग अलग मीनिंग होता है। उस मीनिंग के ही हिसाब से प्रोग्राम काम करता है और उसी प्रोग्राम में जो भी हम लोग टोकन्स लिखते हैं, सबके सब एज ए इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास जाता है और वहां से कुछ ना कुछ हम लोग को आउटपुट मिलता है, आया समझ में? कोई भी हम लोग प्रोग्राम ऐसे ही नहीं बनाते हैं, बिना मतलब का कोई प्रोग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे। जब तक वो प्रोग्राम हम लोग को कुछ परफॉर्म करके देगा नहीं, आउटपुट हम लोग को नहीं देगा, तब तक उस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हर प्रोग्राम हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा और वो आउटपुट कैसे देगा, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखते हैं ना, हैश, इंक्लूड, ठीक है, एच टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, void main लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टोकन्स हैं। ठीक है, टोकन्स के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, इंस्ट्रक्शन वो किस में एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में लगा होता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर लगा होता है, इस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेसर कुछ मेमोरी यूज करेगा। ठीक है, इस मेमोरी यूज करेगा प्रोसेसर और हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का फ्लो होता है जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखने से लेके प्रोग्राम के आउटपुट आने तक का इतना सारा प्रोसेस होता है, आया समझ में? प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, टोकन्स की हेल्प से हम लोग लिखेंगे। टोकन की हेल्प से हम लोग लिखेंगे, टोकन्स क्या करेगा, उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करेगा और हम लोग को वहां से कुछ एक आउटपुट यहाँ पे मिलेगा जो हम लोग कंसोल स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम को रन करते हैं और जितने भी प्रोग्राम में चीजें हम लोग लिखते हैं सबके सब होते हैं टोकन्स। क्या होते हैं, टोकन्स। ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है और वो मीनिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है।